हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से शिक्षा और रोजगार से जुड़ी पल पल की अपडेट देते रहता हूँ। दोस्तों, सैनिक स्कूल में आपका विभिन्न पदों पर शिक्षकों की भर्ती का जो नोटिफिकेशन है जारी किया गया है, यह रेगुलर और संविदा के आधार पर रखे जाने वाले पद है। दोस्तों, चलिए दोस्तों, शिक्षक के इन्हीं पदों की चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए, आपका TGT, जिन्हें हम ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर कहते हैं, तो TGT में आपका जनरल साइंस के पद पर भर्ती किया जाना है। यह रेगुलर पद है दोस्तों। TGT के लिए यदि हम योग्यता की बात करें तो BSc BEd अर्थात संबंधित विषय में अर्थात साइंस विषय में आपका स्नातक होना चाहिए कम से कम 50% अंकों के साथ। दोस्तों, इसके अलावा आपके पास BEd की डिग्री भी होनी चाहिए। ये योग्यता होने के अलावा आपके पास TET की परीक्षा उत्तीर्ण करने का जो अपर प्राइमरी लेवल है उसका जो सर्टिफिकेट है वो भी, अर्थात स्नातक, BEd और TET की परीक्षा यदि आपने उत्तीर्ण किया है दोस्तों, तो साइंस विषय में TGT पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। वेतन लेवल की बात करें तो लेवल 7 का जॉब है 44,900 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। उम्र है आपका 21 वर्ष से 35 वर्ष उम्र सीमा निर्धारित की गई है। अगली भर्ती है दोस्तों, अगले जो टीचर के पद की बात करें तो आपका TGT हिंदी के पद स्वीकृत हैं, जिसमें आपकी यदि हम योग्यता की बात करें तो संबंधित विषय में स्नातक अर्थात BA होना चाहिए हिंदी साहित्य के साथ, तथा BEd की योग्यता भी आपके पास होना चाहिए एवं CTET की परीक्षा आपको उत्तीर्ण किया हुआ होना चाहिए। यह योग्यता आपके पास मौजूद है दोस्तों, तो आप आवेदन कर सकते हैं। उम्र वही रखा गया है 21 से 35 वर्ष। TGT गणित के लिए भी पद स्वीकृत किए गए, इसके लिए गणित विषय में आपका स्नातक होना चाहिए, साथ ही साथ दोस्तों BEd की डिग्री और TET की परीक्षा भी आपको उत्तीर्ण करना आवश्यक है। सोशल साइंस के भी पद स्वीकृत किए गए हैं दोस्तों, रेगुलर पद है, इसके लिए संबंधित विषय में स्नातक तथा BEd और CTET की परीक्षा उत्तीर्ण का सर्टिफिकेट होना आवश्यक है। TGT में अंग्रेजी के भी पद स्वीकृत हैं दोस्तों, इसके लिए भी आपको BA होना चाहिए इंग्लिश लिटरेचर में, साथ ही साथ दोस्तों आपके पास BEd की डिग्री एवं CTET की परीक्षा का सर्टिफिकेट होना चाहिए। संस्कृत के भी पद स्वीकृत किए गए हैं, इसके लिए भी संबंधित विषय में अर्थात संस्कृत साहित्य में स्नातक, साथ ही साथ BEd और CTET की योग्यता आपके पास होना चाहिए। आर्ट मास्टर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में अर्थात संविदा के आधार पर आर्ट मास्टर के पद स्वीकृत किए गए हैं। म्यूजिक टीचर के भी पद स्वीकृत किए गए हैं, इसके लिए हायर सेकेंडरी में म्यूजिक दोस्तों हायर सेकेंडरी में आप उत्तीर्ण हो, साथ ही साथ म्यूजिक का जो डिग्री डिप्लोमा है म्यूजिक में तो आपके पास होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो यह योग्यता आपके पास मौजूद है तो आप आवेदन कर सकते हैं। लाइब्रेरियन के भी पद स्वीकृत हैं दोस्तों, इसके लिए BLIP की योग्यता या डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस की योग्यता आपके पास होनी चाहिए। लैब असिस्टेंट बायोलॉजी के पद हैं दोस्तों, इसके अलावा आपका PTI के टीचर के पद हैं, ऑफिस सुपरिटेंडेंट के पद स्वीकृत हैं, तो तमाम पदों के लिए यदि आपके पास योग्यता मौजूद है दोस्तों तो आप आवेदन कर सकते हैं। अच्छा अवसर है यदि आप आवेदन करना चाहते हैं तो देखिए, लास्ट डेट है आपका 22 अगस्त 2022 तक आप आवेदन कर सकते हैं। कैंडिडेट को यदि आप आवेदन करना चाहते हैं तो डिमांड ड्राफ्ट में 500 रुपये, यदि जनरल कैटेगरी के अंतर्गत OBC या जनरल है तो 250 रुपये, नॉन रिफंडेबल है ST SC OBC के लिए 250 रुपये, जनरल और OBC के लिए 500 रुपये है, ST SC के लिए 250 रुपये रखा गया है, तो आप डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से पे कर सकते हैं। अच्छा अवसर है दोस्तों, यदि आप योग्यता रखते हैं तो कैंडिडेट स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से 22 अगस्त 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आवेदन पत्र का प्रारूप दिया गया है सैनिक स्कूल झांसी उत्तर प्रदेश है, एप्लीकेशन फॉर्म यह है दोस्तों, इसी को भर करके आपको स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्रेड डाक के माध्यम से भेजना है।